हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। ये हम लोगों का 52nd 52वां लेक्चर है एंड इन दिस लेक्चर वी विल रिज्यूम द स्टोरी द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो एच जी वेल्स के द्वारा लिखा हुआ जो एक स्टोरी है उसको हम लोग आज फिर से शुरू करेंगे। बीच से जहाँ से छोड़ के आए थे हम लोग, देखे थे कि वो कैसे चोरी कर रहा है इपिंग गांव में, जब वो है मिसेस हॉल के इन में, एक लड़की मैन का कुछ पैसा चोरी कर लिया है इनविजिबल होकर के। फिर उसके बाद अपने घर में वो सारे कपड़े फेंक करके बैठा हुआ है इनविजिबल होकर के। तो इस तरह से फिर सारे लोगों का शक उसके ऊपर जाता है कि शायद यही है वो चोर, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। तो उन लोगों ने बुला भेजा है किसे, कांस्टेबल को बुलाने के लिए। तो द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, चुपचाप विलेज कांस्टेबल को कह दिया गया था कि भेज दो, बुला दो। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट रूम हु हैड टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। मतलब हाँ, ये बात कल भी हो गया था, हम लोग पढ़ लिए थे कि वो कैसे चला जाता है, कांस्टेबल के आने से पहले ही वो पहुंच जाती है उसे घर में और खाली रूम में वो रहता है अंदर। तब उसे कहती है कि तुमने कैसे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो चेयर तुमने कैसे फेंका, और फिर वो कह रहे थे कि तुम खाली घर में से वापस कैसे निकले और फिर अंदर कैसे गए बंद रूम में। ये सारी बातें वो पूछ रही थी, लेकिन वो ये सब बातें जैसे ही पूछी, ये जो साइंटिस्ट था वो बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसको गुस्सा आ गया। साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। हमेशा वो क्विक टेम्पर्ड रहता ही था, अभी वो फ्यूरियस हो गया, एकदम गुस्सा हो गया। गुस्से में उसने क्या किया, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल वेरी वेल आई विल शो यू, तुम नहीं समझ पाओगे मैं हूँ कौन, वो चिल्लाया एकदम जोर से। और मैं अभी बहुत अच्छा, अभी दिखाता हूँ तुमको कि मैं हूँ कौन, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कौन हूँ मैं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस विच कवर्ड स्पेक्टेकल्स एंड एवन नोज। अब उसके बाद जो भी वो पहने हुआ था, नाक, ये चीप विस्कर्स, उसके बाद फिर चश्मा और फिर बैंडेजेस, सबको निकाल के फेंक दिया उसने। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, 1 मिनट लगा उसको ये करने में। द हॉरिबल पीपल, हॉरिफाइड पीपल इन द बार, इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। अब वो जो भयावह डरे हुए लोग थे वो उस इन में, वो सब के सब अपने आप को एकदम आश्चर्यचकित पाए उस बिना सर वाले आदमी को देखकर, क्योंकि सर पर से पूरा बैंडेज हटा दे तो सर दिख नहीं रहा था। मिस्टर जाफर द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। वो मिस्टर जाफर जो था वो कॉन्स्टेबल, वो पहुंचा, अब वो बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि उसको ऐसे आदमी को पकड़ना है, अरेस्ट करना है, जिसके पास सर ही नहीं है। बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वो बच नहीं सकता था अपने ड्यूटी से आसानी से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड। अगर मजिस्ट्रेट का अगर ऑर्डर हो गया है, वारंट हो गया है, तो चाहे सर वाला हो या बिना सर वाला हो, उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो मिस्टर जाफर को वो करना था। दे आर फॉलोड अ रिमार्केबल सेंस एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। दे आर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, बड़ा रिमार्केबल ये सीन लग रहा था कि वो मिस्टर जाफर कॉन्स्टेबल जैसे ही, जैसे जैसे उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो धीरे 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 इनविजिबल हो रहा था। जैसे वो अपने कपड़े उतार के फेंक रहा था तो इनविजिबल होते जा रहा था, इनविजिबल पे इनविजिबल हो रहा है, ये और ज़्यादा ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसको। फाइनली अ शॉट फ्लू इन टू द एयर एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल। उसके बाद लास्ट में जब शर्ट उड़ा तो कॉन्स्टेबल अपने आप को ऐसा स्ट्रगल करते हुए पाया कि वो अंधा हो और किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, मैं मिल ही नहीं रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसको कोशिश करने की कोशिश की, मतलब बजाय हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। और फिर उसके बाद उन लोगों को भी पंच मिलना शुरू हो गया, लगा था कहीं से भी नहीं आ रहा और लग जा रहा है। इन द एंड जाफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। उस अनसीन साइंटिस्ट को जब अंतिम कोशिश किया था पकड़ने की, तो उस वक्त उसको बेहोश कर दिया गया गिरा करके,
उसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। देयर वेर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। वो एकदम एक एक्साइटेड क्राई और नर्वस क्राई, चारों तरफ चिल्लाहट, आवाज़ निकलने की, पकड़ो उसको पकड़ो, लेकिन ये कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को फ्री कर चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि कहाँ पे उसके ऊपर हाथ रखा जाए, कैसे पकड़ा जाए। ये एच जी वेल्स की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ कोशिश करेंगे, कुछ हम इनसाइड निकालने की। आप लोग उसको देखिएगा और कोशिश करें आप लोग क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग याद करने की, जो हेल्प बुक में दिया हुआ हो उसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।